भुरवाना में आपसी झगड़े में एक व्यक्ति की मौत हो गई थी, लेकिन अभी तक न्याय नहीं मिल पाया है। परिजनों ने फिर प्रेस बुलाकर प्रधानमंत्री जी से न्याय की गुहार लगाई। दोस्तों, भुलवाने गांव के अंदर एक व्यक्ति जो कि अपनी ड्यूटी पर दुकान पर जा रहा था और रास्ते में दो बस स्कूल बस आमने सामने आ जाने पर जाम लग जाता है रास्ते में, और फिर वह बाइक को आगे निकालता है तो बाइक भीड़ भाड़ में किसी से थोड़ी बहुत टच हो जाती है या फिर कोई और मैटर होता है तो उसकी किसी लोगों से लड़ाई हो जाती है। तो वो जो लड़के थे वो उससे कहकर जाते हैं, मैं अभी आ रहा हूँ वापस तुझे देखूँगा। तो वो वापस आता है, बंदूक लेके आता है, उसके माथे पर बंदूक, सर पे बंदूक रख देता है और बंदूक को देखकर वह आदमी बेहोश हो जाता है, गिर जाता है और मर जाता है। तो उस आदमी के न्याय के लिए गांव वाले गुहार लगा रहे हैं। जगदीश नायर से भी बात की है लेकिन अभी तक न्याय नहीं हो पाया है, न्याय नहीं मिल पाया है। और पुलिस अधिकारियों से भी बात की है लेकिन वो भी नहीं उठ रहे हैं। इसीलिए गाँव वालों ने प्रेस मीटिंग बुलाई है और प्रेस मीटिंग के जरिए प्रधानमंत्री मोदी जी से गुहार लगाई है कि हमें न्याय दिया जाए। एटीएम से निकाल के दिए भी हैं। किसको दिए हैं? 10,000 रुपए को। जी, 10,000 रुपए अपने एटीएम से निकाल के, होटल एटीएम से निकाले हैं। उसके बाद भी उसने कोई कार्रवाई नहीं करी, प्राइवेट व्हीकल ले जाके भी उनको अरेस्ट नहीं किया। ये सब उसकी बहानेबाजी है, ये बेकार की पब्लिक को बेवकूफ बना रहा है, कोई काम नहीं कर रहा है एसएचओ। तो आप क्या मानते हैं? ये सारी एसएचओ गलत रिपोर्टिंग डीएसपी और एसपी तक पहुँचा रहा है, जो बिल्कुल ही ग्राउंड लेवल पर ऐसा नहीं है। ये अक्यूज की भाषा बोल रहा है, कभी भी कोई चोर ये नहीं कहता कि मैंने चोरी करी है। और ये उसी चोर से जाके पूछ रहे हैं। हमने संपर्क किया है, अपने लोकल एमएलए से भी संपर्क किया है, जगदीश नायर जी से संपर्क किया है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। उन्होंने भी एसएचओ साहब को बोला था, अपने पास कहा भी उन्होंने कि इसमें कुछ कार्रवाई करें, लेकिन उन्होंने बिल्कुल ही नायर साहब की बात को नेग्लेक्ट किया। तो आप क्या मानते हैं कि किस कारण से नहीं हो रही है कार्रवाई? कारण इसमें यही है कि जो अपराधी हैं दहगांव गांव के हैं, और वो लक्ष्मी नारायण जो एमएलए हैं उस एरिया के, वो यूपी गवर्नमेंट में मंत्री भी हैं, उनका एसएचओ पे पूरा दबाव है और उनका ही अप्रोच इन पर लगी हुई है। पैसे भी पहुँचा रहे हैं, मिला हूँ डीएसपी को, कंप्लेंट भी दे रखी है एसएचओ की। मैंने एसपी को कंप्लेंट दी, एसपी ने फॉरवर्ड करके डीएसपी को दी है इंक्वायरी के लिए, लेकिन अभी तक उस कंप्लेंट पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो आपके घर और जिस गाड़ी से आए थे पड़ोसियों ने उस गाड़ी का नंबर भी नोट किया है FIR में। किस बात को लेकर झगड़ा हुआ? सुबह जब ये अपनी दुकान पर जा रहे थे, श्रीराम जी जिनकी डेथ हो गई, वो अपने बेटे के साथ दुकान पर जा रहे थे, तो स्कूल के पास दो बस आमने सामने आने की वजह से वहाँ थोड़ा सा ट्रैफिक जाम हो गया। तो दो लड़के जो अपने आप को दहगाम के बता रहे थे वो बाइक से आए, उन्होंने पहले बाइक में टक्कर मारी, फिर वहाँ तूतू में हुई और धमकी दे के गए कि हम 10 मिनट में अभी आते हैं और अभी तेरे में गोली निकालते हैं। तो उसके बाद वो गाड़ियों से आधे घंटे बाद घर पे आए और उन्होंने इस वारदात को अंजाम। कितने लोग आए थे घर पे? 8-7 लोग थे। क्या उन्होंने फायर भी किया? फायर तो नहीं किया उन्होंने, बट उन्होंने तमंचा उनके सर पर रखा। अच्छा। सर पर रखा जिसकी वजह से वो बेहोश हो गए और वहीं डेथ। फिर अपराधी भाग गए थे। पुलिस को इन्फॉर्म भी किया, पुलिस ने वहीं से डेड बॉडी को लेके पोस्टमार्टम के लिए पलवल लेके गए। तो अपराधी उसी टाइम फरार हो गए थे? जैसे एक साथ अभी से फरार हैं, और फरार कहीं नहीं है। जब पुलिस कोई कार्रवाई कर ही नहीं रही तो फरार क्या है, कुछ नहीं है। 302 का केस रजिस्टर, मैं तो आता हूँ अपराधियों को अरेस्ट करें और उनको जो भी कानून में सजा है वो दें। अगली खबर है, होडल गोडौता चौक के पास एक बामनी खेड़ा निवासी युवक की शराब के नशे में नाले में गिरकर डूबने से हुई मौत। दोस्तों, जेसीबी की सहायता से सबको बाहर निकाला गया है। जेसीबी और फायर ब्रिगेड के लोगों ने उस सब को बाहर निकाला है, खोदकर नाली को, और शराब पीकर ये व्यक्ति नाले में गिर गया और डूबने से मौत हो गई इसकी। बामनी खेड़े का रहने वाला है, बामनी खेड़ा जो गाँव है वहाँ का बताया जा रहा है। तो दोस्तों, इससे हमें यही पता चलता है कि शराब हमारे जीवन में सब तरह से हानिकारक है। पिए तो शरीर ख़राब होगा, लीवर किडनी ख़राब होंगे, गुर्दा ख़राब होंगे, और दूसरी बात, अगर पीकर बाहर चलें, सफ़र करें तो एक्सीडेंट होने का डर है, और अगर पीकर रात को इधर उधर घूमें तो नाले में गिरने का भी डर रहता है। तो शराब इंसान के लिए हर परिस्थिति में हानिकारक होती है, इससे बचा जाए जितना भी हो सके। अगली खबर है, होडल बाबरी मोड़ के पास वाली कॉलोनी, जिस कॉलोनी का नाम बुग्गा कॉलोनी कहते हैं वहाँ के लोग, उसमें एक घर में हुआ
45,000 रुपये का सामान चोरी। रक्षाबंधन की बात है, किसी व्यक्ति के घर में कोई भी नहीं था, ताला लगाकर वो रक्षाबंधन के मौके पर कहीं और गया हुआ था और उसके घर में पीछे से किसी ने चोरी कर ली, सामान को चुरा लिया और बताया जा रहा है कि कम से कम वह सामान 45,000 रुपये का था। रिपोर्ट दर्ज कराई गई है, मामला दर्ज कराया गया है, पुलिस अपनी कार्यवाही में जारी जुटी हुई है। अगली खबर है, पलवल अलावलपुर रोड पर सड़क दुर्घटना में घायल 4 व्यक्तियों में से 3 व्यक्तियों को दी गई छुट्टी, एक की हालत ज़्यादा ख़राब है। दोस्तों, यह मामला है तुहिराम कॉलोनी पलवल में। तो कुछ बच्चे थे, वो अपने मामा को जा रहे थे अलालपुर और उनका ऑटो पलट गया रास्ते में। ऑटो पलटने से उसमें जो भी लोग थे, 4-5 लोग, उनमें 4 लोग घायल हो गए बुरी तरह से और 4 लोगों में से 3 लोग ज़्यादा बुरी तरह से घायल हुए। 3 लोग मतलब लोगों को कम चोट आई और एक ज़्यादातर बुरी तरह से घायल हुआ। उस एक व्यक्ति को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। तो दोस्तों, मैं यहाँ पे यही कहना चाह रहा हूँ कि ऑटो के अंदर 3 पहिए होते हैं और थोड़ा सा भी बबलिंग अगर कर जाता है तो उसके पलटने की संभावना ज़्यादा होती है। तो ऑटो ड्राइवरों से भी मैं अनुरोध करना चाहता हूँ कि आराम से चलाया करें, क्योंकि किसी की जान कोई इतनी सस्ती नहीं होती है, और स्पीड भी कम रखा करें ऑटो की। ऑटो बहुत ख़तरनाक चीज़ होती है, अगर थोड़ी सी भी गलती हो जाती है तो एकदम से पलट जाता है, क्योंकि इसका बैलेंस 3 पहियों पर होता है। अगली खबर है, चांट थाना क्षेत्र हसापुर, हसनपुर नहीं है साथियों, हसापुर है। हसापुर गांव में दो दिन पहले ही 23 वर्षीय विवाहिता ने फांसी लगाकर की थी आत्महत्या। दोस्तों, उसके पिहरिया वालों का आरोप है कि उसकी ननद ने, जेठानी ने, जेठ पति ने और अन्य भी बताए जा रहे हैं जो सास के भतीजे थे, उनके ऊपर भी आरोप लगाया कि उन्होंने उनकी बेटी को मारा है और उनके खिलाफ़ किया है मामला दर्ज। और जो लड़की का भाई था, उसने मामला दर्ज किया था, तो उसके पति को, लड़की के पति को पकड़ लिया गया है। बाकी अभी फरार चल रहे हैं, उनको भी जल्दी ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उनका कहना है कि उनकी बेटी को ये लोग परेशान करते थे और दहेज के लिए प्रताड़ित भी करते थे। कोई भी घर में फंक्शन होता था तो बाहर से जो भी लोग आते थे तो उनसे कहते थे, उनकी बेटी से, कि तू अपने गांव जा और ये लोग गांव का ही सामान लेंगे, अपने गांव से लाकर ही इनको विदा करना। इस तरह का मामला इन्होंने बताया है। तो इनका आरोप है कि इनकी बेटी को मार दिया गया है सास के द्वारा, ननद के द्वारा, जेठानी के द्वारा और भतीजों के द्वारा, सास के जो 2 भतीजे हैं उनके द्वारा मामला दर्ज है। और दोस्तों, पति का नाम मान सिंह है। अगली खबर है, पलवल खोटा मंदिर के सामने रहने वाले रिटायर्ड हेडमास्टर जिसका नाम श्रीचंद है, उसको उसके पुत्र और पुत्रवधु यानी कि बेटा और बेटे की बहू और उसके पोत्रों ने बेइज्जत करके पीटा, बुरी तरह से उसके ऊपर मार लगाई। दोस्तों, 2 भाई थे, जो छोटा भाई है, उस बुज़ुर्ग का छोटा लड़का है, वो उसका मर्डर कर दिया गया किसी के द्वारा पहले ही। तो उसके जो बच्चे हैं, उसकी बीवी बच्चे, वो अनाथ हो गए एक तरह से, मतलब अकेले रह गए। तो वो जो बुज़ुर्ग है वो उन बीवी बच्चों के पास रहने लगा, अपने छोटे बेटे के बीवी बच्चों के पास। तो जो बड़ा भाई है उस लड़के का जो मरा था, यानी कि उस बुज़ुर्ग का बड़ा लड़का है, वो प्रॉपर्टी की लालसा से उनके ऊपर अटैक करता रहता है। उसको प्रॉपर्टी चाहिए कि भाई तो मर ही गया, अब ये क्या करेंगे प्रॉपर्टी का, मुझे प्रॉपर्टी दे दी जाए, इस लालसा से उनके ऊपर अटैक करता है। लेकिन जो वो हेडमास्टर जी हैं, सत्यता पर चलने वाले इंसान हैं, सच्चाई पर चलने वाले, उसने कि उनसे कह दिया, उससे बड़े बेटे से, कि छोटे बेटे का हिस्सा उसके बच्चों को मिलेगा, तुझे नहीं मिलेगा। तो बड़े बेटे ने और उसकी बहू ने और उसके पुत्रों ने उसके ऊपर हमला किया, उसको घसीटा और बेइज्जत किया, उसके पैर में भी चोट है और बुरी तरह से बेइज्जत करके घर से निकाल दिया। दोस्तों, बड़ा बेटा है जो उस घर में नहीं रहता जिसमें बुजुर्ग रहता है, वो सामने वाले घर में रहता है, गली के दूसरे साइड में, और बड़े पुत्र को प्रॉपर्टी की ज़्यादा लालसा है, इसीलिए उसने बुज़ुर्ग पर हमला किया है। आप देख ही रहे होंगे कि एक बुज़ुर्ग जो कि ज़िंदगी भर उसूलों पर चलता रहा हेडमास्टर, और ज़िंदगी भर लोगों को जीने के तरीके सिखाता रहा, ज़िंदगी के मायने सिखाता रहा बच्चों को, आज उसी के साथ क्या हालत हो चुकी है। आज उसी को इस समाज की व्यवस्था ने पैरों तले रौंदा है, उसके विचारों को, उसके ख्यालों को, उसकी आत्मा के सम्मान को।
तो जो इंसान जीवन भर दूसरों को शान से जीने का उपदेश देता रहा, आज उसी के बड़े बेटे ने उसकी इज्जत को मलिन कर दिया, उसकी इज्जत को पैरों तले रौंद दिया, तो ये गलत बात है। और दूसरी बात ये भी कहना चाहूँगा कि किसी का कोई पता नहीं होता, ज़िंदगी भर चाहे कितना भी कुछ भी कर लो, बच्चों के लिए भी या फिर किसी के लिए भी, और अंत में जब रिजल्ट निकलता है पता तभी लगता है। तो यह बहुत ही एक शर्मनाक घटना है, मास्टर जी को बहुत अच्छा बताया जा रहा है पड़ोस के लोगों के द्वारा, आस पड़ोस के जो लोग होते हैं, और इनके साथ ऐसा किया इसके बड़े बेटे ने, और वो भी सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टी को लेकर कि छोटा बेटा तो मर ही गया है, उसकी प्रॉपर्टी में से मुझे भी हिस्सा चाहिए। जबकि मास्टर जी ये कह रहे हैं कि भाई तुझे हिस्सा क्यों दे दूँ मैं उसमें से, ये उसके बच्चों का हिस्सा है, इसको बच्चों को ही देना है। तो ये यहाँ पर झगड़ा था, बहुत ही गलत बात है। अगली खबर है, पलवल सदर थाना पुलिस ने साल 2009 से भगोड़े आरोपी को क्रोसोरपुर गांव से किया गिरफ्तार, कोर्ट में किया पेश। दोस्तों इस बात से क्या पता चलता है आपको, इस बात से यही पता चलता है कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। ये इंसान 2009 से फरार चल रहा था किसी केस के मामले में, और आज इसको 11-12 साल बाद पुलिस ने फिर से दबोच लिया है, यानी कि कानून मरते दम तक नहीं छोड़ता है इंसान को, पकड़ ही लेता कभी ना कभी। पलवल गांव कटेसरा में लड़ाई में बचाव करते समय एक महिला के पैर में मारा गहदारा, जीएच अस्पताल में भर्ती, पट्टी कर दी है डॉक्टरों ने, और महिला कह रही है कि मैं पुलिस में भी शिकायत दूंगी इस बात की। महिला का कहना है कि दो पक्षों में झगड़ा हो रहा था और मैंने जाके उनको बीच बचावरा कर दिया, और बीच बचाव जैसे मैंने किया तो दूसरे पक्ष वालों ने मेरे पैर में गहदारा मार दिया। तो बीच बचावरा करना भी ज़्यादा ज़रूरी नहीं है भैया, यह हिसाब देखे तो। अगली खबर है, पलवल कमरावली गांव के दबंगों ने खेत में चारा काटने गए एक बुजुर्ग व्यक्ति के ऊपर किया जानलेवा हमला, अस्पताल में उपचार के लिए बुजुर्ग व्यक्ति को किया गया भर्ती। कोई पारिवारिक रंजिश होगी या फिर कुछ भी हो सकता है, खेतों पर चारा लेने के लिए यह बुजुर्ग व्यक्ति गया था, और वहाँ पर एक गाँव का बताया जा रहा है और उसके साथ दो चार जो लोग थे वो बाहर गाँव के बताए जा रहे हैं, और इसके ऊपर किया है हमला और इसको चोटें आई हैं मुंह पर भी, हाथों में भी, पैरों पर भी। तो बुजुर्ग व्यक्ति को मारने के लिए भी यार 5-6 लोग आए हो यार, शर्म आनी चाहिए। अगली खबर है, पलवल अहरवा गांव में भाई ने शादीशुदा बहन के साथ की मारपीट, पीड़िता ने की न्याय की अपील। दोस्तों उसके बेटे को भी पीटता है उसका भाई, इस महिला के, इस लड़की के दो भाई हैं, एक पुलिस में लगा हुआ है, एक गुंडागर्दी करता है, और इस लड़की ने अपने पति से भी 5 साल से तलाक के लिए केस चलाया हुआ है, अपने मायके में रह रही थी, तो इसका छोटा भाई है वो इसे पीटता है, वो गुंडागर्दी टाइप का है, तो उसने इसको पीटा है, और इसके बेटे को भी पीटता है जो इसका बेटा है इस महिला का, इस लड़की का, जिन्होंने कहा कि मेरे बेटे को भी यह पीटता है, और पुलिस मेरी सुनती नहीं है क्योंकि मेरा दूसरा भाई, बड़ा भाई पुलिस में है, उसके कहने से पुलिस उठती नहीं है, और छोटा भाई मुझे मारता रहता है, तो मेरे साथ न्याय किया जाए। तो दोस्तों इसमें क्या लगता है आपको, महिला का कसूर नहीं होगा या फिर होगा, ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। जो अपने पति से 5 साल से तलाक के लिए लड़ रही है और फिर उसको उसका छोटा भाई पीट रहा है, तो इसके पीछे कुछ ना कुछ तो हो भी सकता है, मैं नहीं कहता होता है। तो ये थी आज की खबरें, और मैं उम्मीद करूँगा आपको ये खबरें पसंद आती होंगी, और आज मैं ये बहुत दिनों में, कई दिनों में प्रोग्राम लेकर आया था जो लोकल न्यूज़ का है, और मैं फिर लेकर आऊँगा आपके समक्ष कल शाम 8 बजे। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, और साथियों दूसरे प्रोग्राम्स को भी देखिए हमारे चैनल पर, और भी प्रोग्राम्स आते हैं उनको भी देखा करें। तो दोस्तों जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।